भर में कोरोना वायरस की तरह एहतजाज की वबा में भी मजीद इजाफा हो गया। डॉक्टर्स, नीम तबी अमले, ब्यूटिशियंस, मजदूर और दीगर कारोबार खुलवाने के लिए एहतजाज करने वालों के बाद शादी हॉल्स और कैटरिंग का काम करने वाले भी सड़कों पर आ गए। जीना होगा, मरना होगा, कराची प्रेस क्लब की सड़क लॉकडाउन के बाद एहतजाजी सड़क की शक्ल इख्तियार कर गई। हर नए दिन के आगाज के साथ कोई तनख्वाहों में इजाफा तो कोई कारोबार खोलने के मुतालबात के लिए एहतजाज करता नजर आता है। हर रोज की तरह आज भी नए मुतालबात के साथ एक नई यूनियन एहतजाज करती नजर आई। ऑल कराची कैटर्स एंड डेकोरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से कारोबार खोलने का इजाजत नामा मांगने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हमको शौक नहीं रोडों पे आने का, माओं को शौक नहीं रोडों पे आने का, हमारे इन मजदूर भाइयों को शौक नहीं। मुजाहिरे के शुरका ने ढोलची को अपने हमरा लाकर और सड़क पर खाने की देगे रख कर एहतजाज को दिलचस्प और तफरी से भरपूर कर दिया। साथ साथ मुजाहिरीन कारोबार खोलने के नारे भी लगाते रहे। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था, कराची में तमाम कारोबार खोल दिए गए हैं लेकिन शादी हॉल्स और तकरीबात की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाइस कई महीनों से उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। बिल्कुल बंद हुआ है, लेबर इसी तरह बैठी हुई है, सबके डेफिनेट मंथली एक्सपेंसेस हैं, रेंट चढ़े हुए हैं, बेरोजगार हैं। ईदें भी ऐसे गुजर गई, मालकान से जो जो हो सका उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए किया, लेकिन अब हमारे पास लिमिट नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को लेके चल सकें, रेंटल टाइम पे दे सकें। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई नहीं पूछ रहा, अब हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि जैसे अब गवर्नमेंट ने जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को अलाउ कर दिया कि जी आप ट्रांसपोर्ट एसओपी के साथ करें, तो सेम हमारा करें, ट्रेनें एसओपी के साथ करें, हमारे करें, शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स जितने दिन के लिए दिया है हमें उसी एसओपी को फॉलो करते हुए जो उनके लिए सोचा वो हमारे लिए सोचें। हमें दूसरे कारोबार की तरह जब पूरा पाकिस्तान खुल रहा है एसओपी के तहत, तो हमारा शोभा क्यों बंद रखा गया है? क्या हमारे शोबे की कोई वैल्यू नहीं? इसमें इतने लोग हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा डेली वेजेस वाले जो लेबर है वो हमारे शोबे के अंदर हैं। आज वो डेली वेजेस वाले परेशान हो गए हैं, वो डेली वेजेस वाले किसी के कोई ना उनको मालकान अभी हाथ देंगे, ना उनको कोई सरकार हाथ दे रही है, और वो हमारे पास काम करते आ रहे हैं बरसों से वो डेली वेजेस पर। आज वो डेली वेजेस वाले बेकार हो गए, हम अपने मजदूरों को तो संभाल लेंगे, वो डेली वेजेस वालों को क्या होगा? हमें आवाज़ें आ रही हैं चारों तरफ से मुल्क से कि वो डेली वेजेस वाले फ़ोन कर रहे हैं कि यार हमारे घरों में फाके पड़ गए हैं, अल्लाह का वास्ता है, कुछ हमले करो, हम अपनी ताकत से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चार महीने हो चुके हैं। हम लोग तकरीबन पिछले चार महीने से इसी उम्मीद पे थे कि आज खुलेगा, कल खुलेगा, परसों खुलेगा, इंतजार कर रहे थे। तो आज मजबूरन हम एहतजाज करने आए हैं। हमारे लाखों जो वर्कर हैं जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, कैटरिंग में, अच्छा पकवान सेंटर के ऊपर जो काम कर रहे हैं गिलगित-बल्तिस्तान से, रोज़गार हो चुके हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही, वज़ीर आला सिंध से और वज़ीर आला से यही इल्तमास करता हूँ, खुदा का वास्ता बाकी आपने कारोबार को एसओपीज़ के साथ अलाउ किया है तो हमें भी अलाउ करें कि हम एसओपीज़ के साथ कारोबार कर सकें ताकि हमारे यहाँ बेरोजगारी खत्म हो। बाद हज़ार सिंध हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात ना करने पर मुजाहिरीन ने रेड जोन जाने की कोशिश की, तहम पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात पर मुजाहिरे के शुरका कुछ वक्त के लिए मुंतशिर हो गए, लेकिन कारोबार खोलने की इजाज़त ना मिलने तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया भी दिया। कैमरामैन शेरियार अली और इकबाल सवाती के साथ सुमैर राजपूत, क्विक न्यूज कराची। खबर से अपडेट रहने के लिए खबरों सियासी या मुल्क के बुरान की, या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।